अच्छा हसीना आपा, आपकी जर्नी से ज़रा शुरू करते हैं कि एक छोटी सी लड़की थी, बच्ची थी, कानपुर में रहती थी और कानपुर से पिंडी का सफ़र हुआ, उसमें वो बड़ी एक्साइटेड थी। बॉम्बे में वो बाय एयर पहले ट्रैवल करी है बॉम्बे, उसके बाद आ रही है पिंडी। पिंडी के बाद एक ज़िंदगी स्ट्रगल्स वाली उन्होंने देखी, जहाँ पे उनके डैड इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट, इतने ज़्यादा सेल्फ रिलायंट थे, उन्होंने कहा नहीं मैं किसी और की प्रॉपर्टी पे क्यों रहूँ, मैं होटल में रहूँगा लेकिन मैं अपना सब कुछ बनाऊँगा। वो सफ़र उसके बारे में बताएं कैसा था। वो असल में वो इतने इंडिपेंडेंट या उस तरह के तो नहीं थे रूट, लेकिन वो काइंड हार्टेड और बहुत सॉफ्ट इंसान थे। और उन्होंने कहा कि ये जो बेचारे घर अपना छोड़ के गए हैं, जो सारा का सारा सामान इनका पड़ा हुआ है, खुदा जाने किस तरह गए हैं, खाना आधा पक्का हुआ आधा नहीं पक्का हुआ, तो मैं इनके घर में आके रहूँगा तो कैसा महसूस करूँगा। बिल्कुल, मैं इनके घर में नहीं रहूँगा, आप सामान हटा लीजिए मैं आ जाऊँगा। तो वहाँ से जवाब मिला कि भाई हमारे पास तो 12-14 आदमी है टोटल पूरे पिंडी में, हम कहाँ से उठाएंगे सामान। तो उन्होंने कहा, अब्बा ने कहा कि अच्छा फिर मैं होटल में रहता हूँ जब तक सब नहीं मिलता घर। फिर मेरे मामू को इत्तला हुई भोपाल में, वो बेचारे घबरा के आए, उन्होंने कहा ये तो सारे पैसे ख़त्म कर देंगे होटल ही में रह के। टिपिकल मामू का जो रोल होता है समझाने वाला, वो उन्होंने अता किया यहाँ पे। वो आए फिर उन्होंने सारे शहर में घूम के घर ढूंढा, एक किराए का, एक साहब ने किराए का ऊपर का मकान किराए पे दिया, उसमें हम लोग रहे।